हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज काउंसलिंग बाकी है। आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं तो उसका कारण ये है कि फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जिस चीज के ऊपर हमारी निगाहें गड़ी हुई थी कि भाई क्या आएगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, क्या होगा, कितने मार्क्स होंगे, किस कैटेगरी के लिए क्या क्या होगा, कौन सी कैटेगरी के लोग बुलाए जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में, कितने मार्क्स तक लोग बुलाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की जो गई है पहली लिस्ट में, दूसरी हम बात करेंगे कि सेकंड और थर्ड लिस्ट में कितनी जा सकती है, तीसरी हम बात करेंगे सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी लिस्ट की, और चौथे में हम आपको बात करेंगे एक मास्टर टिप जो आप फॉलो करें काउंसलिंग में ताकि आपकी काउंसलिंग हो हैजल फ्री और आपको कोई भी टेंशन ना रहे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर कट ऑफ मार्क्स से। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जनरल का जो पहली लिस्ट में कट ऑफ गई है वो गई है 222 मार्क्स यानी 222, जो कि पिछली बार का आंकड़ा था लास्ट लिस्ट में, छठी लिस्ट में 222 था, इस बार पहली लिस्ट में 222 गया है। तो देखते हैं कितना मार्क्स नीचे तक जाता है जनरल, और उससे पता लगेगा हमें कि भाई क्या स्कोर होगा, क्या होगी फाइनल कट ऑफ। अब यहां पर जब पहली लिस्ट निकल गई है तो ये तो क्लियर हो गया है कि जिस जिसके मार्क्स 222 से ऊपर है वो सभी यहां पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और उन्हीं सभी को आना है। एक लिस्ट निकाल दी गई है जहां पर लिखा गया आपके नाम है, सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, दिया गया है। देखिए आइए 24, 25, 26 को काउंसलिंग शेड्यूल है, तीनों दिन हम कोशिश करेंगे आपके साथ खड़े रहें, आज भी हम आपके साथ खड़े हैं, कल भी रहेंगे और उससे पहले तो थे ही। अब यहां पर हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ की। तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 169 जो गई है वो ओबीसी की है। तो अगर आपके मार्क्स से ऊपर है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जो 1 अप्रैल 2019 के बाद की हो, रिन्यू करवा लीजिए अगर नहीं करवाई है। लेकिन इन केस आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और सर्टिफिकेट नहीं है, ये सभी केसेस में मैं बोल रहा हूं जनरल कैटेगरी वाइज कोई भी, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिएगा, काउंसलिंग के लिए जरूर आइएगा, काउंसलिंग स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ आपको ये मैं कहूंगा कि आप अंडरटेकिंग देकर आगे जा सकते हैं, आपको समय मिलेगा। तीसरी बात जो है वो है एससी की कट ऑफ कितनी गई है, वो गई है 149 की कट ऑफ गई है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट की अगर 149 जाती है आपके 150 मार्क्स हैं तो आप आ सकते हैं काउंसलिंग में, मोस्ट वेलकम, सर्टिफिकेट साथ लाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। फिर आती है शेड्यूल ट्राइब्स की, एसटी के लिए हम बात करते हैं तो एसटी की कट ऑफ गई है वो गई है 102, और एसटी की कट ऑफ जब 102 गई है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 103 मार्क्स सिक्योर करते हैं या 102 वाले लोगों को भी बुलाया गया है तो आप आइए लिस्ट में अपना नाम देखिए, और अगर आपकी है तो आप आइए। इसमें काउंसलिंग के टाइम जो हम बता रहे हैं वो है 10 से 1 होगा जो कैटेगरी टाइम होगा जो जनरल कैटेगरी के लिए है, और 2 से 5 जो टाइम होगा वो बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 2 से 5 में आइए अगर आपकी कैटेगरी टाइम है, नहीं तो फिर आप आइए जनरल कैटेगरी के टाइम में। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 189 मार्क्स, और 189 मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली, इतनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन कट ऑफ इतनी गई है तो खुशी होती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एडमिशन ले पाएंगे। 189 मार्क्स अगर आपके ऊपर है तो आप पहली लिस्ट में आते हैं, और 24 25 26 को आइए, 10 से 1 2 से 5 के बीच में हम आपको वहीं पे मिलेंगे। आदित्य यादव की टीम के नाम से हम काम कर रहे हैं, द सोशल इंडियन की टीम से नाम से हम काम कर रहे हैं, मैं नहीं हम के नाम से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव जो वही है, गर्मी बहुत हो रही है इसीलिए इस वीडियो को साथ लंबा नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी सेकंड और थर्ड लिस्ट में, वो ये है कि अगर आपके 5 से 10 मार्क्स से आपस में आ रहा है, 5 से 10 मार्क्स में आ रहा है तो इसका आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 से 10 मार्क्स एक कट ऑफ आप लगा सकते हैं दूसरी वाली, उससे अगले 5 से 10 लगा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एंटायरली कि कितने एडमिशन हुए हैं पहली लिस्ट में, कितने एडमिशन हुए हैं सेकंड लिस्ट में। अब यहां पर देखने वाली बात आपके लिए ये भी होगी कि आपका एडमिशन जब हो रहा है तो आप इंतजार कीजिए अगली लिस्ट का, अभी पहले लिस्ट में आने की जरूरत नहीं है अगर आपका नाम नहीं आया है तो, और इंतजार कीजिए आपका नाम जरूर आएगा अगर आप होप्स बनाए रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी का नाम आए, और वी आर हर्टली कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ यू जिनका आज पहली लिस्ट में नाम आया है, ये हमें वीडियो के शुरू में कहना चाहिए था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। अब यहां पर सीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो उनकी लिस्ट जो है वो बाद में आया करती है, और उम्मीद करते हैं इस बार भी बाद में ही आएगी लिस्ट, तो आप इंतजार कीजिए आपके
आपके लिए जरूर निकाली जाएगी और जल्दी ही निकाली जाएगी। उसके बाद हम बात कर रहे थे एक मास्टर टिप की, तो मास्टर टिप ये है कि आप अपने काउंसलिंग के शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और कोशिश करें कि पहले दो दिन में ही आप आ जाएं, लेकिन अगर आप दूर जगह से आते हैं नहीं आया जाता है तो आप आइए तीसरे भी दिन, लेकिन काउंसलिंग मिस मत करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप काउंसलिंग मिस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वो शेड्यूल है वो हिल जाता है और आपके नंबर दोबारा आए ना आए उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए आप पहली टाइम पे आइए, कोशिश कीजिए आराम से, भीड़ में धक्का मुक्की ना करें, वैसे तो भीड़ होगी नहीं जिस हिसाब से काउंटर्स खुलते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हैजल फ्री रहने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरी मास्टर टिप हमारे पास ये होगी कि डॉक्यूमेंट्स अपने घर से एक बार वेरीफाई करके आए, फिर रास्ते में भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि टाइम बहुत होता है तो आप वापस जाकर भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, तो पूरा आपका टाइम खराब होगा, उसको बचाएं और हैजल फ्री रहें। इसीलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक अंडरटेकिंग देकर उस डॉक्यूमेंट को बनवाने का समय ले सकते हैं और उस समय में वापस आकर जमा कर सकते हैं, तो उसकी भी चिंता मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा, बनवा लीजिएगा, अंडरटेकिंग दे दीजिएगा, लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल को मिस मत करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। भारत माता की जय। जय हिंद।